अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ हाइलाइटर हैक्स शेयर करूंगी और ऐसे कमाल के हैक्स शेयर करूंगी जो कि आपके लिए समर के अकॉर्डिंग भी बहुत बेस्ट होंगे और विंटर के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे होंगे। और ये वाली आज की जो वीडियो है वो ब्यूटिशियंस के लिए भी बहुत बेस्ट है, वो भी देख सकती हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है क्योंकि आज जो मैं हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी वो प्रोफेशनली भी यूज़ किए जाएंगे और जो बिगनर गर्ल्स हैं जिनको बिल्कुल हाइलाइटर अप्लाई करने का नहीं पता, वो मैं आज आपको सारी डिटेल ए टू जी बताने वाली हूँ। तो गर्ल्स चलिए चलते हैं हैक नंबर वन की तरफ और उसमें मैं आपको बताऊँगी कि एक पाउडर ये मेरे पास है जी, मिसरोज का हाइलाइटर पैलेट। तो इसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके हाइलाइटर्स, तो ये आपको इतने पिगमेंटेड नहीं मिलेंगे, आपको बस ये थोड़ा सा पिगमेंट होगा और ये जल्दी फ़ौरन से ये ख़त्म भी हो जाते हैं, ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करते। तो पहला हैक हमारा ये होगा कि हम एक पाउडर हाइलाइटर को कैसे पिगमेंटेड बना सकते हैं। जो मिक्सिंग करूँगी हाइलाइटर को मिक्स करने के लिए, ये मेरे पास है ब्लश ऑन, तो मैं इसकी कैप ही ले रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मिक्सिंग बहुत ईजी हो जाएगी। इतने कोई सा ले लेना अपना हाइलाइटर, तो मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ आपने मिसरोज का हाइलाइटर ले लेना है, तो मैं इसमें से ये वाला शेड ले रही हूँ सिल्वर, तो ये मैं थोड़ा सा स्क्रैच कर लूँगी, इतना सा मैं हाइलाइटर लूँगी जितनी आपको क्वांटिटी जो है रिक्वायर्ड है। ये है जी मेरे पास मेकअप फिक्सर, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मेकअप फिक्सर। तो मैं बस एक ही स्प्रे मैंने बीच में ऐड किया है। अब आपने क्योंकि कोई भी चीज़ आपने एकदम से ज़्यादा ऐड नहीं करनी, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके ही यूज़ करते हैं। तो मेकअप फिक्सर को बीच में डालने का मकसद यही है कि ये बहुत देर तक आप जैसे ही इसको बीच में ऐड करेंगी, ये बहुत ही अच्छा हैक है और 100% ये आपको अच्छे रिजल्ट देता है और आपका जो हाइलाइटर है बहुत देर तक स्टे करता है और इसका पिगमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। अप्लाई करूँगी तो गर्ल्स अब आप इसका ज़रा पिगमेंट चेक करें, ये मैंने इसको मेकअप फिक्सर के साथ अप्लाई किया है और जब ये ड्राई होगा तो बिल्कुल आपको सेम जैसे ये मैंने अप्लाई किया है आपको सेम यही ये शेड देगा। अब आप इसका पिगमेंट चेक करें, ये वही हाइलाइटर है और अब आप देखें कि ये आपको कैसी शाइन दे रहा है और आपका ग्लो जो है ना वो ग्लो बढ़ता जाएगा और बहुत खूबसूरत आपकी बेस लगेगी। आपकी जो जो फेस हैं जो कि हाईलाइट करने वाले होंगे वो कमाल के लगेंगे और बहुत ग्लो करेंगे। और ये आपके जो पाउडर वाला ये देखें ये वही था, अभी मैंने आपको ये मेकअप फिक्सर के साथ अप्लाई करके दिया और इसी को मैं आपको वैसे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये देखें ये हो गया हमारा विदाउट मेकअप फिक्सर। तो ये मैंने जो अप्लाई किया ये विदाउट मेकअप फिक्सर अप्लाई किया है, इसको भी आप चेक कर, मेकअप फिक्सर ऐड किया है तो आप उसका भी रिजल्ट देख लें, ये आपको कितना कम पिगमेंट दे रहा है और ये फ़ौरन से थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल जो है फेड भी हो जाएगा, लेकिन ये आपका बिल्कुल फेड नहीं होगा तो आप इसको प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। कल अब चलते हैं हैक नंबर टू की तरफ। आप जो प्रोफेशनली देखते हैं ना आपको पिंक हाइलाइटर नज़र आ रहा होता है, आपने देखा है कि ब्राइड्स को जो अप्लाई हो रहा होता है पार्लर्स में, और प्रोफेशनली आप प्रोफेशनल मेकअप जो देखते हैं उनमें आपको पिंकिश सा हाइलाइटर नज़र आ रहा है, तो वो अब मैं बताऊंगी कि वो आप कैसे बना सकती हैं इजीली। ये तो ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है, ये डल गोल्ड है, ये सिल्वर है और ये वाले जो ब्रॉन्ज हैं ये वो वाले शेड्स हैं, तो इसी में मैं सिल्वर ले रही हूँ अगेन। ये हम थोड़ा सा इसका ले लेते हैं पाउडर, इसको स्क्रैच कर लेते हैं और इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ब्लश ऑन, तो ये थोड़ा सा पिंक टोन में है, चाहे तो इसमें आई शेड भी डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा पिंकिश टच देना है। तो अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा इसके अंदर पानी डालूँगी, इसमें भी चाहे तो मेकअप फिक्सर भी ऐड कर सकते हैं। ओके तो गर्ल्स इसमें थोड़ा सा मैंने पिंक शेड ऐड किया था, तो इसको पिंक बनाने के लिए ये देखें आप इसको आप पिंक हाइलाइटर बनाने के लिए ये देखें मैंने पिंक हाइलाइटर बीच में ऐड किया, पिंक शेड ऐड किया था, तो ये देखिए सेम वही प्रोफेशनली हमारा शेड पिंक बन गया है हाइलाइटर का, जो कि आपको ब्राइड्स का नज़र आ रहा होता है, आपको प्रोफेशनल मेकअप जो आप देखती हैं इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर आप जो देखती हैं पिंकिश सा ग्लो आपको नज़र आ रहा होता है, तो ये देखें कि सेम ये वही पिंकिश ग्लो है, बहुत खूबसूरत शेड लग रहा है। तो आपने बस ये करना है अपने हाइलाइटर में पिंक शेड ऐड करना है तो आपको ये शेड मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास सारे हाइलाइटर्स के शेड्स हों, आप खुद अपनी ये ट्रिक्स अपनाकर अपने हाइलाइटर खुद क्रिएट कर सकती हैं, बना सकती हैं।
तो गर्ल्स चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो इस हैक में मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपको लिक्विड इल्यूमिनेटर नज़र आ रहा होता है, लिक्विड हाइलाइटर नज़र आ रहा होता है, तो आपको बहुत खूबसूरत सा एक ग्लोई ग्लोई सा इफेक्ट नज़र आ रहा होता है स्किन में, तो आपको मैं वही आपके साथ सीक्रेट जो है वो शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप अपना कोई सा भी अच्छा ले लेंगी सीरम, तो मैं ये ले रही हूँ अपना जो मैं यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो विटामिन सी का भी ले सकती हैं, आप 24K Gold वो वाला भी सीरम ले सकती हैं, तो जो आपके पास अवेलेबल है, आपको स्पेशल इसके लिए परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास है आप वही इसमें अप्लाई करेंगी। तो ये जी हमारा हो गया सीरम, हमने थोड़ा सा सीरम ऐड कर लेना है। और इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर डालना है गोल्ड शेड। अब मैं आपको गोल्ड शेड बना के दिखाऊंगी, इल्यूमिनेटर जैसे लिक्विड होता है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। इसमें मैं, ये है मेरे पास फा ब्यूटी का हाइलाइटर, तो इसमें मैं ये वाला शेड डाल रही हूँ। और गर्ल्स अगर आपके पास ये शेड नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें से जो आपके पास आपकी मेकअप किट है यानी कि आई शेडो पैलेट है, आप उसको भी ऐड कर सकती हैं। ये मैंने ऐड किया है इसमें से, और इसमें से मैं आपको ये वाला गोल्ड शेड जो है वो भी हल्के दिखाती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट है। इसी में आप सिल्वर भी ऐड कर सकती हैं, इसी में आप गोल्ड भी ऐड कर सकती हैं, और इसी में ही आप ब्रॉन्ज भी ऐड कर सकती हैं। जैसे मैंने इसके अंदर कॉपर शेड ऐड किया है, तो ये आपको सेम वैसा ही आपको हाइलाइटर नज़र आ रहा है जैसे कि इल्यूमिनेटर्स आपको नज़र आते हैं। बस ये कि आपने ये सीरम में ऐड करने हैं, तो आपको सेम वही आपको ये रिज़ल्ट देगा। अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ, क्योंकि हमने इसका कलर नहीं लेके आना, एक बस आपको इफ़ेक्ट देना है ग्लोई सा। तो ये देखें, तो जैसे जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगी, ये स्किन को बस आपको एक ग्लो सा इफ़ेक्ट देगा, ग्लोई ग्लोई करेगा स्किन को। ओके, तो गर्ल्स अब आप देख सकती हैं कि ये आपको एक डिफरेंट शेड नहीं दे रहा, बल्कि ये आपको बिल्कुल मेरी स्किन के साथ मैच कर गया। और इसका फ़ायदा अब ये है कि ये आपको बस एक ग्लोई ग्लोई सा इफ़ेक्ट दे रहा है। तो ये आई होप सो कि आपको ये वाला इल्यूमिनेटर और ये वाला हैक बहुत मज़े का लगा होगा। देखें, आप इसको अप्लाई करने के बाद इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि इसमें सीरम ऐड किया था तो ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। ये देखें, ये ड्राई होके भी आप ये देखें, जहाँ तक मैंने ये अप्लाई किया है वहाँ तक आपको स्किन जो है वो ग्लोई ग्लोई सी नज़र आ रही है, शाइनी सी नज़र आ रही है, और एक अच्छा सा आपको इफ़ेक्ट दे रहा है। और जहाँ मैंने अप्लाई नहीं किया वहाँ पर स्किन बिल्कुल ड्राई ड्राई सी लग रही है, डल लग रही है। तो गर्ल्स इस हैक में मैं आपको बताऊँगी कि आप क्रीमी फॉर्म में हाइलाइटर अगर आपको चाहिए तो आप उनको कैसे इंस्टेंट बना सकते हैं। तो उसका मेथड भी बहुत ईजी है, तो मैं आपके साथ बहुत अफोर्डेबल चीज़ों के साथ मैंने आपको ये मेथड बता रही हूँ, ताकि आपके लिए भी बनाना बहुत ईजी हो जाए। आप बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि मिसरोज़ बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है, तो इसी का हाइलाइटर मैं ले रही हूँ डल गोल्ड शेड में। तो आपने थोड़ा सा ये इसको स्क्रैच कर लेना है, और इसमें आपने ऐड कर लेना है कोई सा भी अपना लोशन। समर के अकॉर्डिंग भी अच्छी है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो गर्ल्स आपने बहुत सी प्रोफेशनल वीडियोस में देखा होगा कि मेकअप जैसे ही फेस पर अप्लाई करता है तो उनका पूरा फेस जो है वो ग्लो कर रहा होता है। गर्ल्स पूरे फेस पर वो हाइलाइटर तो अप्लाई करते नहीं है, तो उसकी भी आप मेट्रिक आपको बताऊंगी, ये सीक्रेट मैं आपके साथ रिवील करने वाली हूँ कि स्किन को प्रेप करना तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब बेस अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें फेस पर कोई सा भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करती क्या है, पॉलर्स में, पॉलर्स का ये सीक्रेट है, उसमें ये होता है कि लोशन जब अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हाइलाइटर मिक्स करते हैं। जैसे मैंने ये पाउडर हाइलाइटर ले लिया और उसके अंदर मैंने अपना थोड़ा सा लोशन ऐड कर लिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करूँगी ताकि ये एक बहुत खूबसूरत एक इल्यूमिनेटर बन जाए। ये एक बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और ये बिल्कुल आपका फेस इल्यूमिनेटर बन गया है जो कि आप बिफोर मेकअप अप्लाई करते हैं। तो इससे ये है कि आपकी स्किन पर बहुत देर तक ग्लो रहता है, जब तक कि आपकी बेस अप्लाई होती है, जब तक आपका कोई फंक्शन होता है, जब तक फेस पर आपको चाहिए ग्लो, तो ये आपको ग्लो देगा और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लो देगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी शाइनी और ग्लोई ग्लोई सी नज़र आएगी। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ।
ओके तो गर्ल्स, इस हैक में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास एक मैट आई शेडो पैलेट है तो उसको आप मेटेलिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एक ग्लिटरी शेड कैसे बना सकते हैं। तो जल्दी से अब मैं आपको वो ट्रिक बताने वाली हूँ, तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप सो कि आपको ये पसंद आने वाली है। तो इसके लिए मैं आपको कौन सा शेड बनाना सिखाऊं? ओके तो गर्ल्स, मैं आपको ये वाला जो ग्रीन शेड है इसको मैं आपको, ये मैट शेड आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसको मैं आपको मेटेलिक में कन्वर्ट करके बताती हूँ। ये है ग्रीन शेड, मैट शेड है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी हाइलाइटर। अब मैं इसके अंदर पानी नहीं ऐड करूँगी, पानी ऐड किया तो ये उतनी देर तक स्टे नहीं करेगा। इसके अंदर मैं मेकअप फिक्सर ऐड करूँगी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे आपको काशिस के शेड्स नज़र आ रहे होते हैं ग्लोई ग्लोई से, और सारे आपको इसी तरह से ग्लोसी शेड्स जो नज़र आ रहे होते हैं, तो आप इसी तरह से अपना कोई सा भी फेवरेट शेड बना सकती हैं। इसमें बहुत से शेड्स हैं, तो आप अपना कोई सा भी फेवरेट शेड बना सकती हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो अब मैं आपको इसका सिंगल वैसे आपको शेड अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इसका शेड था मैट, जिसको मैंने कन्वर्ट किया है एक मेटेलिक शेड में, तो यू कैन सी रिज़ल्ट। तो आप इजीली कोई सा भी अपना शेड बना सकती हैं, इतने सारे शेड्स हैं, आप बिलीव मी कोई सा भी शेड खुद बना सकती हैं। ओके तो गर्ल्स, नेक्स्ट हैक मैं आपके साथ अपना शेयर करूंगी, और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है, और एक ये आपको इंस्टेंट जो है ना वो रिज़ल्ट देगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। ये आपने सिंपली इसमें करना ये है, आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है, पानी इसके ऊपर डायरेक्ट ब्रश से अप्लाई करना है। आप कोई सा भी जिसे आप अपना फेस हाईलाइट करेंगी, हाईलाइटर ब्रश लेंगी, आपने पानी में हल्का सा टच करना है, डिप करना है, और इसको आपने डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई करना है। ये भी बहुत देर तक स्टे करेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और ये भी आपका पिगमेंट जो है ना वो डबल से ट्रिपल कर देगा। तो ये देखें कि आपने डायरेक्ट इस तरह से अप्लाई कर लेना है। ये भी आपको आपको जो है ना सबसे जो आसान इजीएस्ट और सबसे जो फास्ट वे है ना वो यही है कि आप इस तरह से अपना हाइलाइटर अप्लाई करें। ओके तो गर्ल्स, लास्ट अब मैं हैक आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास एक अच्छा हाइलाइटर है, जैसे कि मेरे पास ये फा ब्यूटी का हाइलाइटर है, तो ये भी सम टाइम ऐसा होता है कि जब थोड़ा टाइम गुजरता है ना उसके बाद ये भी जवाब दे जाते हैं, यानी कि बहुत फेड हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, तो उतने ज़्यादा आपको उतना टाइम आपको रिजल्ट नहीं देते। तो आप इसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएंगे, ज़्यादा इसका पिगमेंट आप कैसे इसको देंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपने ले लेना है अपना हाइलाइटर, जैसे ये देखें इसका पिगमेंट कितना अच्छा है, आप इसको अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। अब इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमने सिंपली करना ये है, हमने ले लेना अपना मेकअप फिक्सर, तो उसके ऊपर हमने स्प्रे कर देना इसे, हाइलाइटर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, जहाँ मैंने अप्लाई किया ना तो बिल्कुल ये वहीं स्टे करेगा। और आप जितनी देर तक आपका फंक्शन चलेगा, जितनी देर तक आप ब्राइट बनी रहेंगी, या आप वैसे भी कोई पार्टी मेकअप अप्लाई करेंगी जितनी देर तक, तो ये उतनी देर तक ही आपका स्टे करेगा। तो आई रियली होप सो कि आपको मेरा ये हैक भी बहुत पसंद आया होगा। तो गर्ल्स, आज के जो सारे हैक्स थे ना वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थे और आपके बहुत काम आने वाले हैं। आई रियली होप सो कि आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्ती वीडियो के साथ, टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।